आजाद, चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे यहाँ पे, दिग्विजय भी उनके साथ थे, और आज फिर चौधरी साहब आ रहे हैं अम्बेडकर भवन में, प्रोग्राम है उनका, बहुत तगड़ा काफिला आना है। अब कल कल से आगे सवेरे 10 बजे देखियो, एक पास सारो पास एक पास हो जाओ। नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं यहाँ, आप देखना इसके बाद बड़ा बदलाव होगा। जो मदन लाल जी, और उन्होंने लगभग यही कह रखी है, उन्होंने अभी तक दाढ़ी नहीं कटवाई और एक टाइम खाना खाते हैं, वो भी यमुना को घग्गर से जोड़ने के बाद ही हमें अपनी दाढ़ी करवाएंगे और दोनों टाइम खाना खाएंगे। पब्लिक तो जी रणजीत सिंह जीतन लग रहे है, पर रणजीत सिंह अच्छो माहौल है गाँव के अंदर है, और अच्छा काम करे है, नहर के माँ पानी दिए है, जो भी काम है गांव के लेवल के ऊपर बहुत बढ़िया काम करे है और अच्छो काम चल लग रहे है। तो फिर आगे इलेक्शन में क्या लगता है? आगे इलेक्शन में रणजीत सिंह जी MLA बनने लग रहे है जी। कितनी का लीड उनकी? लगभग रानिया हल्का 20-22 हजार वोटों जीतेगा जी, अच्छी जीत है। बाकी पार्टियों की बात करें तो वो कहाँ लग रही है? बाकी नेलो दूसरे पर है, कांग्रेस तीसरे पर है। तो पार्टी से जुड़कर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इतने मजबूत नहीं है जितने कि रंजीत सिंह, वो निर्दलीय है? तो निर्दलीय तो वो नाम एक निर्दलीय है जी, बाकी बंगो तो घर ही है। हाँ भी भाई, आपके घर के अंदर चुनाव लड़ ला रहे, कोई बहुत आता है भी दूसरी जगह लड़ ला रहे है। पीछे थे देखे लोकसभा में हिसार जाके लड़े, 5.5 लाख वोट लिए है वहाँ, और पार्टियां का जगह थ्रू लड़न लग रहा, भी किनी 22 हजार आया, किनी 25 हजार वोट आया, ये फालतू कौन आया। तो इस बार फिर क्या रहेगा? इस बार तो जी रणजीत सिंह जीतन लग रहे हैं, रहना तो कोई बात ही को नहीं। चौधरी साहब का भी सहयोग है, स्कूल में है नाली का नक्का है, वो 27 फुट का बनवा दिया, पहले छोटा था, उसके अंदर से अलग अलग नहरें निकलवा दी। हमारे यहाँ 2 साल तक पानी आने की अभी संभावना नहीं थी, और 2 साल पहले पानी आया है नाली के अंदर। ये सिर्फ खारिया गांव में ही नहीं, खारिया गांव, खारिया गांव रानिया इलाके में हुआ है जी। अच्छा, हाँ जगह ऐसे ही? हाँ बिल्कुल करवाए हैं जी। तो फिर तो अब की बार भी जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे जी, 100% जीतेंगे, लगभग 20-25 हजार वोटों से जीत है उनकी, पक्की जीत है। हाँ, इन्होंने जहाँ अगर अलाहाबाद की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो जी अपना अपना सिस्टम है, किसी की किसी के साथ बनती है, किसी की किसी के साथ बनती है। ये उधर समर्थन दे रहे हैं रंजीत सिंह, तो उसका वहाँ अलाहाबाद में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, उनके जो परमानेंट वोटर हैं वो तो उनके कहने पे ही देंगे वोट। ऐसे तो उनका डवाली के अंदर JJP के साथ भी समझौता हुआ है, और आज से 3 दिन पहले वो आजाद, चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे यहाँ पे, दिग्विजय भी उनके साथ थे, और आज फिर चौधरी साहब आ रहे हैं अम्बेडकर भवन में, प्रोग्राम है उनका, बहुत तगड़ा काफिला आना है। हाँ जी, हल्का है उनका ये है तो वो यहीं रहेंगे, और लगभग हर महीने का एक दिन उनका परमानेंट है, जो इंसार वो उन वर्करों की मीटिंग लेते ही लेते, वर्करों की कोई काम है वो समस्या सुनते हैं, वो तो आप देखते हो। हाँ जी, क्या लगता है इस बार? अर्जुन चौटाला जीता जी, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कोई रहना नहीं, कोई बस मैं थाने के जो क्लियर जीता जी। तो पहली बार हल्के का यही डिमांड थी जी, भी आपके घर का कोई सदस्य आए तो जीत जाएगा। घर से तो करण भी आ सकता था जी? करण तो पहले आया जिला परिषद में बने रहा, अब अर्जुन बन जाएगा, अर्जुन निकल गया जीता जी। क्या उम्मीद, क्या कर रहे हो भी अर्जुन, भी क्यों चाहते हो कि अर्जुन जीते? युवा है जी, काम करोगे, पहली ब्याह ही करे हठे काम, अभी वही करो। रणजीत तो बुढ़ो गयो, 75 साल को कह के ना पे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सर्वमित्र, मैंने जाना ही को नहीं जी, जाना ही को नहीं, युवा तो वो भी है, तो जाना ही को नहीं, मैं कभी मिले को नहीं, मैंने अर्जुन से मिले हैं। हाँ, रोज मार्कर नहीं रहा अर्जुन। अच्छा। हाँ, अब कल कल थे आगे सवेरे 10 बजे देखियो, एक पास सारो पास एक पास हो जाओ, रणजीत रहा मित्र मात्र थे वा एक जान तारा खटा खटे। हाँ, अभय सिंह सीएम बने, उम्मीद सारी है मैंने। अच्छा, अगर अर्जुन जीतेगा तो अभय सिंह सीएम बनेगा? हाँ, ये उम्मीद है। हाँ, और रानिया हल्के में विकास की क्या उम्मीद कर रहे हो? विकास करोगे, पहले चौटाला साहब को क्राउड है, यही करेगा।
अरे अनिलो का वोट क्यों कौन रहा, रणजीत ने गेरा कहना वोट अनिलो ना गेरा, 20,000 वोट अनिलो ना गेरा, जब जितो चौटाला साहब यहाँ कहो का भाई 31 साल हो गए ना मेरे भाई ने बनाओ, हाँ जब अनिलो ना गेर दिया जब बन गयो। रानिया में जी रणजीत सिंह को फुल रुझान है, अच्छा वोटो अच्छी लीड लेगा, अच्छा काम करे है 5 साल, एक बहुत बढ़िया नेतृत्व निभाया वहाँ, हर क्षेत्र में अच्छा काम करे, अच्छा विकास किया है, इसलिए दूसरी बार भी जीतने चाहिए। बिल्कुल जीतता जी। और इसी के साथ बाकी पार्टियों की बात करो तो क्या लगता है? बाकी तो पार्टियां है जी, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़ने लाग रहे हैं, जिसे मांगा वोट है विशाल जगह, पर कोई मुकाबला को नहीं जी, क्योंकि इस बार रानिया की राजनीति क्या मोड़ ले सकती है? रानिया की राजनीति में आज मुकाबला कांग्रेस और इनेलो के उम्मीदवार करण चौटाला के बीच में है, हाँ अर्जुन चौटाला के बीच में है। तो ये मुकाबला मतलब कितना घमासान रहने वाला है या फिर नॉर्मल सा ही रहेगा, क्या लगता है इसके बारे? ये नॉर्मल भी रह सकता है, अगर बड़े नेता आएंगे उसके बाद हमारा चुनाव और चढ़ेगा कांग्रेस का, और मंत्री जी का जो चुनाव है वो बिल्कुल जीरो है। इनेलो को आप कंपटीशन में मान रहे हैं, बड़े नेता आएंगे ऐसा कह रहे हैं, इनेलो के तो बड़े नेता सारे यही हैं। इनेलो को नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे, आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं यहाँ, आप देखना इसके बाद बड़ा बदलाव होगा, यहाँ विधानसभा कांग्रेस की ओर चल सकती है, जीत सकती है। अच्छा हाँ, और अगर एक बात और भी सामने आ रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, अलग अलग चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? भी हमारे को कहीं गुटबाजी नहीं दिख रही है। अच्छा। मैं शैलजा का कट्टर समर्थक हूँ, और मेरे गांव में कल प्रोग्राम था, आप जरा उम्मीदवार से पूछिएगा कितना बढ़िया प्रोग्राम था। रानिया की राजनीति में जो फिलहाल तो जी अभी तो अर्जुन चौटाला और रंजीत सिंह की टक्कर है, अभी तो यही है जी, खारिया में तो लगभग है चौधरी साहब है मतलब वोटों से कुछ आगे चल रहे हैं जी, और लगभग यही अंदाजा है जी भी चौधरी साहब जीत की तरफ है जी। हाँ जी फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा जी, उन्होंने मतलब खारिया गांव में और आसपास के गांव में जो पानी जो ये घग्गर का पानी है ये मतलब एक मुद्दा मान लो या मान ले ये एक मतलब यहाँ की जरूरत है, मतलब इस हिसाब से इनको वोट आएंगे जी, मतलब नाली का पानी बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया है, इसलिए लगभग हर एक किसान वर्ग इनके साथ जुड़ा हुआ है जी। चौधरी साहब है यमुना का गग्गर से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, ये देखो ये हमारे पास जो नक्शा है, ये सबसे पहले तो जो ये किसान कमेटी है किसान आंदोलन वाली, उसके अंदर हमने ये मुद्दा उठाया है, जो मदन लाल जी उन्होंने लगभग यही कह रखी है, उन्होंने अभी तक दाढ़ी नहीं कटवाई और एक टाइम खाना खाते हैं, वो भी यमुना को घग्गर से जोड़ने के बाद ही हमें अपनी दाढ़ी करवाएंगे और दोनों टाइम खाना खाएंगे, उनको उन्होंने बहुत बरसक प्रयास कर रखे हैं, और यही मुद्दा चौधरी रणजीत सिंह ने उठा रखा है, भी हमें यमुना को इस घग्गर से जोड़ेंगे, ये 36 किलोमीटर की दूरी है, ये अब की बार विधायक बनते ही वो विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे हमारा, जो ये किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं। रानिया की राजनीति में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है जी, अर्जुन चौटाले का एक तरफ ही माहौल है, एक तरफा जी, 15,000 प्लस की लीड है आज के दिन। अच्छा। और उम्मीद यही जताई जा रही है भी आगे आने वाले समय में ये उम्मीद और भी बढ़ने की उम्मीद है, हाँ लीड बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि जिस गांव में जहाँ भी जा रहे हैं मैं भी साथ गया हूँ, चलो जाना उनकी मजबूरी थी बीजेपी के साथ, क्यों अगर नहीं जाते, वो निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने, अगर नहीं जाते तो वो जितना विकास कार्य करवाया वो नहीं करवा सकते थे, पर लोगों का मन ना बीजेपी से अब उठ चुका है, अब तो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, क्यों अभी यहाँ खारी आए थे पीछे तो लोगों से कह रहे थे आप मेरे को सरकार आप सरकार में रहना चाहते हो, लोगों ने बोले हाँ जी रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ भी अगर 40 सीट आज बीजेपी की आती है और उनसे अगर सरकार बनती है तो वो सरकार के साथ जाएंगे दोबारा।
उनके आपके ही बयान देखे थे मैंने, तो यही था मैं बस स्टैंड के ऊपर ही। हाँ यही लग रहा है जी, उनका कहना तो यही था। पीछे जनसभा करी थी या उद्घाटन के लिए भी आए थे ऑफिस के, तो यही उस समय तो यही बोल रहे थे। और अगर पीछे विकास की बात करें तो रंजीत सिंह चौटाला ने कितना विकास किया? यहाँ रुपया तो चोखा ही मतलब दियो तो काफी है रिपियो खारिये गांव के अंदर, पर मैं ये मान रहा हूँ जी, जहाँ लगाना चाहिए था ना पैसा वहाँ पे नहीं ले गया। क्यों यहाँ मंदिरों पे ज्यादा जोर दिया है चौधरी साहब ने? नहीं नहीं, गाम राम मांगने की बात नहीं है जी, गाम राम तो ये मांग देगा भी आप दूसरे गांव को उजाड़ दियो तो उजाड़ देंगे। नहीं नहीं, ये मांगने के मंदिर पे ज्यादा जोर दिया है जी चौधरी साहब ने। शिक्षा में अगर पानी जैसे हमारे नाड़ी का पानी आता है जी, उस पर ये नहीं कहते भी उन्होंने उसमें सुधार नहीं किया, पर काफी ज्यादा जरूर थी सुधार की, उसमें भी थोड़ी कमी रख दी। और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो ध्यान देना था वो नहीं दिया जी चौधरी साहब ने। और इसके अलावा आप जैसे अर्जुन चौटाला की बात कर रहे हो, भी लोग उनके साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो एलनाबाद की अगर सीट की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने जो कांडा के साथ जो उनका साथ लिया है, इस चीज का फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा जी, क्योंकि हाँ फर्क जो कांडा को कितना पड़ेगा सिरसा पे? सिरसा में तो कांडा को इन्हें लोग मेरे ख्याल में तकरीबन 20,000 प्लस वोट होंगे जो पक्के हैं सिरसा में। इन्हें लोग का वोट बैंक सदैव यही रहा है जी, इन्हें लोग का वोट बैंक पक्का रहा है। अभी उनके साथ रन रहे हैं, इस चीज का फर्क भी मैंने ये स्टेटमेंट आपने मैंने खुद ने तो देखा नहीं है जी। अगर ये दिया है अगर ये दिया है तो ये अभय सिंह जी ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, या तो उन्होंने कहा अभी आगे से हम किसानों के साथ होंगे, किसानों का भरपूर साथ देंगे। कांडा साहब से कोई तो बात हुई होगी उनकी, तभी तो उन्होंने इनेलो मतलब समर्थन दिया है इनेलो नेलोपा को। और दूसरी तरफ अगर पवन पहलवान की बात करूं तो वो भी इनेलो के साथ आए, इसका फर्क मेरे हिसाब में तो फर्क पड़ना ही चाहिए जी, अगर ज्यादा नहीं तो 10,000 के करीब वोट तो होंगे। पवन के तीन चुनाव लड़े उन्होंने, पवन पहलवान के इनेलो में आने से कांग्रेस को क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस को तो सीधा ही नुकसान है जी, क्योंकि पहले दिन आपने भरत बेनीवाल का स्टेटमेंट सुना होगा, वो बोल रहे थे भी पवन कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा, कह रहे थे ना। अगर उनके पास वोट बैंक नहीं होता तो भरत सिंह ये बात थोड़ी कहते भी पवन नहीं जाएगा। ये तो दूसरे दिन की बात है, जब उन्होंने अपनी पहले दिन मीटिंग बुलाई थी, दूसरे दिन फैसला लिया था भी मैं इनेलो के साथ जाऊँगा, तो वोटों का फर्क तो पड़ेगा जी, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? ये चार पार्टियां रल के चुनाव लड़ रही है, उससे इनेलो कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। चार पार्टियां कौन-कौन सी? ये अलोपा, बीएसपी और आईएनएलडी और भी जो पार्टी है ना सहयोग दे रही है निर्दलीय। मैं तो यही मान रहा हूँ जी, पवन की खुद ही मान लो भी पार्टी होगी। पहले कांग्रेस में थी। हाँ ना, कांग्रेस इनेलो के साथ नहीं आएगी, कांग्रेस इनेलो के साथ कभी नहीं आएगी जी। फिर चौथी पार्टी कौन सी? आती है, बीएसपी तो अपना साथ गई है। हाँ हाँ हाँ, तीन ही है जी। चौथी आपने चार का जिक्र किया, हो सकता है फिर मेरे ये गिनने में गलती हो गई हो। हाँ नहीं नहीं, हो सकता है गिनने में गलती होगी, तीन ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा मैं यहाँ रानिया सीट में कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस यहाँ कैसे चल रही है? अभी तो थोड़ा वीक है जी, अभी हुड्डा साहब आए हैं और आगे देखते हैं, अगर शैलजा भी आती है और दीपेंद्र हुड्डा भी आते हैं, हो सकता है वो चुनाव को उठा दें, क्योंकि सर्वमित्र कंबोज है ना, उनकी स्पीच मैंने सुनी थी यहाँ पे, वो उद्घाटन के लिए आए थे, वो बहुत अच्छा बोलते हैं और मेरे हिसाब से वो नेचर के भी बहुत बढ़िया व्यक्ति है, हो सकता है जी वो चुनाव मतलब इससे बढ़िया बना दें अभी जो माहौल चल रहा है।